रजिस्टर करते हैं तो उसके बाद जो फीस रह जाएगी आपके लिए डिस्काउंट हो जाएगा फ्लैट फिफ्टी परसेंट कार जो बॉयज के लिए फीस रह जाएगी वो रह जाएगी फाइव हंड्रेड रुपीज गर्ल्स के लिए रह जाएगी टू फिफ्टी तो अब यहाँ पे अभी आपको क्या करना है सबसे पहले तो अगर आपको रजिस्टर करना है एलपीय के फॉर्म के लिए तो उस सबसे पहले तो मतलब आपको शेड्यूल करना है ना एग्जाम अपना तो उससे पहले बहुत बच्चों को डाउट आता है कि कैसे शेड्यूल करें उनको ऑप्शन नहीं मिल रही होती तो सबसे पहले तो अपने आपको आपको रजिस्टर करना है तो रजिस्टर कैसे करना है रजिस्टर आप मेरी किसी भी एलपीए नस्ट या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं जब भी जाए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको एक डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा इस लिंक को ही यूज करके करें ताकि आपको डायरेक्टली फ्लैट फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट मिल जाए कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे तो उसमें एयर वगैरह आ सकते हैं डायरेक्टली ये लिंक से आप अप्लाई करेंगे तो आपको कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं आपको जो फीस दिखाएगा ऑलरेडी रजिस्टर मतलब कि डिस्काउंटेड दिखाएगा तो जैसे ही आप इस लिंक पे आ जाएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे एलपीयू की यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है ईमेल एड्रेस डालना है फोन नंबर डालना है अपना ओ टी फिर जो आपके फोन नंबर पर आएगा वो डालना है स्टेट डालनी है सिटी डालनी है जेंडर डालना है जो आपने जहां तक जैसे ट्वेल्थ तक कर करे की तो ट्वेल्थ क्वालिफिकेशन डालनी है किस प्रोग्राम में आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं आपको वो डालना है जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लूंगा ट्वेल्थ यहाँ पे फिर आप यहाँ इंजीनियरिंग मेडिकल एग्रीकल्चर जिस भी चीज में लेना चाहते हैं वो सारी डिटेल्स डाल के आप रजिस्टर कर लेंगे रजिस्टर करिए आपके ई एड्रेस और फोन नंबर के ऊपर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा जिसको आपको यहाँ डाल के लॉग करना है लॉग करते करती आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा जिसको आपके फिल करना है डिटेल्स वगैरह फिर वहां पर आपको डैशबोर्ड के ऊपर ही ऑप्शन आएगी कि यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कैसी ऑप्शन आएगी वहां पे आएगी कि अप्लाई फॉर एलपीयू ठीक है ये पूरी पी आप भी दे सकते हैं जैसे आप एडमिशन मतलब कर लेंगे डैशबोर्ड के ऊपर आपके पास ऐसी ऑप्शन आएगी अप्लाई फॉर एलपीयू नेस्ट या आपके पास जिन कोर्सेज के लिए एलपीय ने कंपल्सरी नहीं है जिनके लिए एलपीएनेस्ट ऑप्शन है उनके पास दो ऑप्शन आएंगे टेक एडमिशन और एलपी नेस्ट तो जिनके पास एपी एस के ऑप्शन आ रही है वैसे तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आप एलपीएन एच का एग्जाम जरूर दें क्योंकि एलपी नेट एडमिशन टेस्ट के साथ साथ एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी तो सभी कोर्सेज में आपको स्कॉलरशिप की जरूरत तो है ही तो आप यहां पे क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर अप्लाई फॉर एलप्यूनेस क्लिक करती है आप अपनी डिटेल्स वगैरह वेरीफाई करेंगे फिर आपको यहां पे फीस पेमेंट करनी पड़ेगी जो कि आपके लिए रहेगी फिफ्टी परसेंट फ्लैट डिस्काउंटेड ठीक है यहां पे आपको फाइव हंड्रेड टू फिफ्टी दिखाएगा तो वहां पे आपको पेमेंट कर देनी है जैसी आप एलप्यू एस की पेमेंट कर देंगे वो पेमेंट कैसे कर सकते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग वॉलेट किसी भी तरीके से आप पेमेंट करके आपको सारी अपनी डिटेल्स वगैरह डालनी है जैसी आप डिटेल डालनी शुरू कर देंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन नंबर आ जाएगी जैसे ट्रांजेक्शन आई जैसे आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगी बुकिंग और एग्जाम स्लॉट इसके ऊपर क्लिक करते है आपको सारी एग्जाम स्लॉट कि जैसे आप बहुत बच्चों का डाउट आता है कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कब है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट अभी चल रही है बीस अप्रैल लेकिन वो एक्सटेंड होती रहती है अगस्त तक ठीक है तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इमीडिएटली आप नेक्स्ट डे भी अपना एग्जाम स्लॉट है वो बुक कर सकते हैं आपको बस यहां एग्जाम स्लॉट पे जाना है तो आपको जितनी भी एग्जाम स्लॉट्स अवेलेबल है मतलब जिस जिस डेट को जो जो टाइम पे स्लॉट्स अवेलेबल है वो सारी डिटेल्स पे दिखा देगा तो आपको जो भी टाइम और डेट सही लग रहा है अपने अकॉर्डिंग आप उसको चूज कर सकते हैं कोई भी यहां पे बॉन्डेज नहीं है गिवन टाइम के अंदर ठीक है आपको वहां पे सारी स्लॉट दिखा रहा होगा कब तक आप बुक कर सकते हैं कॉन्टेक्ट कौन कौन से टाइम पे कर सकते हैं तो आपको वो कर लेना है फिर करते ही वहां पे अपनी सबमिट कर देना इस ऑप्शन को जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो आपके जो ऑप्शन है वो सबमिट हो जाएगी अगर बाय चांस आपको एग्जाम स्लॉट बुक करने में इस पॉइंट पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली हेल्पलाइन नंबर एलप्यू के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि आपको डैशबोर्ड के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं कि मुझे एग्जाम स्लॉट बुक करने में बहुत दिक्कत आ रही है तो आप मेरे लिए एग्जाम स्लॉट बुक कर दीजिए तो फिर वो आपको बता देंगे कौन कौन से पेंडिंग है और वही आपका एडमिट कार्ड आएगा जो कि आप डैशबोर्ड से डाउनलोड कर पाएंगे जैसे कि आपको हॉल टिकट यहां से डाउनलोड करनी है तो एक या दो दिन पहले आप ही आपकी हॉल टिकट आएगी डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही साथ यहाँ से आप प्रीवियस पेपर डाउनलोड कर सकते हैं जहां से आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं उसके बाद जिस दिन आपका एग्जाम होगा आपको जगह पे जाना है एग्जाम देकर आना विदिन आपका तीन से मतलब अड़तालीस से बहत्तर घंटे में आपका एलपीच का जो रिजल्ट आएगा, आएगा। ले। अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस करना है कि आपको सारी जो आपको फॉर्म वगैरह भरना है जैसे कि यहाँ पे दिखाया डिटेल्स वगैरह मांगी जाएगी प्रेफरेंसेस वगैरह फिल कर उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोविजनल फीस जो कि टेन आपकी रहेगी सीट बुकिंग के लिए वो पे करने के लिए कही जाएगी आपकी एडमिशन कंफर्म कराने के लिए आप टेन थाउजेंड पे कर देंगे उसके बाद आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह की फोटो वगैरह खींच के सबमिट करेंगे वेरीफाई जैसे आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको फुल फीस पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा फुल फीस पेमेंट होते ही आपकी जो एडमिशन है हंड्रेड परसेंट एल में कंफर्म हो जाएगी और एलपीयू की आप स्टूडेंट बन चुके होंगे और आपका जो सेशन है वो अगस्त या सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है कैसे आपको अपनी एग्जाम स्लॉट बुक करनी है और आपको एग्जाम देने जाना है फिर भी कोई डाउट है इस रिगार्डिंग तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट्स वगैरह करके पूछ सकते हो वैसे सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड और मैंने वीडियो में भी बता दी तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय